बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं राना उमर। मैं आज इस्लामाबाद में मौजूद हूं। 8 फरवरी 2024 को पूरे मुल्क में इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन अब तक हुकूमत नहीं बन पाई। कल को जो हुकूमतें एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगंडा किया करती थी, आज वही हुकूमतें एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करने जा रही हैं। आए लोगों से जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, खैरियत। अच्छा, इलेक्शन हो चुका है, अब तक हुकूमत नहीं बनी, ठीक है। आप जो पार्टियां एक दूसरे को कल को मुनाजरे करती थी, एक दूसरे के खिलाफ हुआ करती थी, आज वही पार्टियां इत्तेहाद कर रही हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? हम तो इस बारे में कहेंगे कि नवाज शरीफ आए और सपा इंशाल्लाह होगी। हम तो नवाज शरीफ के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और हम चाहते हैं कि सारी हुकूमतें मिल के तो नवाज शरीफ को अगर कुर्सी पे बिठा दें तो बहुत अच्छी बात होगी। हम उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल को जो हुकूमतें मुनाजरे किया करती थी और आज वही हुकूमतें जो है वो इत्तेहाद करने जा रही हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? भाई सारे चोर इकट्ठे हो गए, ये हुकूमत नहीं बननी। जैसे पहले सबने मिल के मुल्क को लूटे, ये अब भी सारे मिल के मुल्क को लूटेंगे, ठीक है। एक बंदा है सिर्फ, वही लीडर है जो हमारा इमरान खान है, बाकी ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। और ये एक पार्टी हुकूमत बना नहीं सकती, आप सारे इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए ये सारे मुल्क को लूटेंगे और इनका काम कोई नहीं है, बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, जो हुकूमतें कल को मुनाजरे किया करती थी, आज वही हुकूमतें जो है वो इत्तेहाद करने जा रही हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, हमें तो कोई चीज़ बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आती। आप किसी यूनिवर्सिटी कहीं पे भी चले जाएं, जितने स्टूडेंट हैं वर्कर हैं, हर कोई किसी का यही राय है कि हम जल्दी से जल्दी कहीं इमिग्रेशन ले लें, कोई बाहर निकलवा लें। तो इसका मतलब यही है कि आम आदमी को पता है कि कोई बेहतरी की तरफ चीज़ें नहीं जा रही। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। कोई जो भी जिसकी भी गवर्नमेंट आए, अगर कोई इत्तेहाद भी बनता है तो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। बोला बोला आदमी जी, कोई गुंजाइश नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत। कल को जो हुकूमतें मुनाजरे किया करती थी, आज वही सब हुकूमतें जो है वो इत्तेहाद करने जा रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? हम तो दूसरी हुकूमत को इमरान खान से अलावा किसी को भी नहीं मान रहे। हमारा वही है कि लीडर वही है, बेरोजगारी है, बस रोडों पे लोग देखो, मजदूर देखो चौकों में क्या हाल है मजदूरों का। अस्सलाम वालेकुम। बेरोजगारी है जी, रोडों पे फिर दें, कोई काम नहीं, की और नहीं आई, महंगाई भी जोर कर रही है। ऐसे गरीब आदमी को मरने ही और के का काम करने से बड़े मुश्किल से गुजारा नहीं हो सकता, इस पे चौंक के कर सकते। अवाम का यही कहना था कि सब अपने मफाद के लिए आते हैं, कोई पाकिस्तान के लिए नहीं सोचता, और अवाम का मजीद ये कहना था कि अल्लाह इन सब को हिदायत दे। कैमरामैन अमीर राजपूत के साथ राना उमैर, A1 TV, इस्लामाबाद।